फैमिली कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन को आयशा से किस आधार पर दी तलाक की इजाजत। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में स्थित फैमिली कोर्ट ने 4 अक्टूबर को भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के तलाक की मंजूरी दे दी। कोर्ट ने यह भी माना कि क्रिकेटर शिखर धवन की पत्नी आयशा ने अपने पति के साथ मानसिक क्रूरता की है। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने धवन द्वारा उनकी पत्नी पर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। अपने आदेश में जज ने कहा कि धवन के आरोपों को इस आधार पर मंजूरी दी गई है कि आयशा ने खुद के ऊपर लगे आरोपों का विरोध करने में सफल नहीं रही। बता दें कि क्रिकेटर धवन और आयशा की उम्र में 10 साल का फर्क है। आयशा धवन से 10 साल बड़ी है, बेटे से रखा 1 साल दूर। फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने इस मामले की सुनवाई के वक्त माना कि धवन की पत्नी आयशा ने अपने ही बेटे से 1 साल तक दूर रखकर धवन को मानसिक प्रताड़ना दी है। हालांकि दोनों के तलाक को तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन कोर्ट ने अब तक बेटे की स्थायी कस्टडी को लेकर किसी तरह का फैसला नहीं लिया है। बच्चे की कस्टडी को लेकर क्या कहा गया? 4 अक्टूबर को तलाक का फैसला सुनाने से पहले कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता एक मशहूर क्रिकेटर के साथ साथ देश के लिए गौरव है। अगर वो भारत सरकार से अपने बेटे की कस्टडी को लेकर मदद मांगते हैं तो भारत सरकार को ऑस्ट्रेलिया सरकार से बात कर उनके बेटे की कस्टडी या मुलाकात के अधिकार पर मदद की कोशिश की जानी चाहिए। धवन ने कोर्ट में जो याचिका दर्ज की थी उसके अनुसार उनकी पत्नी आयशा ने पहले धवन से उनके साथ भारत आकर रहने की बात कही थी, लेकिन बाद में अपने पूर्व पति को दिए गए कमिटमेंट के कारण अपनी ही बात से मुकर गई। अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में क्यों रह रही हैं आयशा? दरअसल आयशा की पहली शादी से 2 बेटियां हैं। उन्होंने अपने पूर्व पति से वादा किया था कि वो अपनी दोनों बेटियों के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगी। क्रिकेटर धवन ने फैमिली कोर्ट में इसी बात को मानसिक उत्पीड़न माना है। इसके अलावा आयशा पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदस्यों और साथ ही खिलाड़ियों को अपमानजनक मैसेज भेजने के जो आरोप लगे थे वो भी जांच के बाद सही पाए गए। पिता के साथ रहने की बात पर करती थी प्रताड़ित। इसके अलावा शिखर धवन ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के दौरान जब धवन अपने पिता के साथ रहना चाहते थे तो आयशा ने उनसे काफी झगड़ा किया था। इसके अलावा धवन का आयशा पर आरोप था कि जब वह अपने बेटे को लेकर भारत आई तब उन्होंने 2 बेटियों को महीने का खर्च भेजने पर उन्हें मजबूर किया था। ऐसे में क्रिकेटर धवन ने काफी वक्त तक आयशा को हर महीने 10 लाख भेजे थे। यहां तक कि आयशा ने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए जबरदस्ती दबाव बनाकर शिखर धवन की 3 संपत्तियों में 99% मालिकाना हक हासिल कर लिया और 2 अन्य संपत्तियों में भी ज्वाइंट ऑनर बन गई। कौन है आयशा? कैसे हुई थी धवन से मुलाकात? आयशा भले ही वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन नागरिक है, लेकिन उनका जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ था। वह पश्चिमी बंगाल के एंग्लो इंडियन परिवार से है, यानी उनके पति भारतीय है और उनकी माँ ब्रिटिश है। आयशा ने अपनी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया से की है और वह एक प्रोफेशनल किक बॉक्सर भी रही हैं। उन्होंने पहली शादी ऑस्ट्रेलियाई एक बिजनेसमैन से की थी। इस शादी से उनके 2 बेटियां हैं जिनका नाम आलिया और रिया है। शिखर से उनकी शादी साल 2012 में हुई थी। उन दोनों की मुलाकात पहली बार फेसबुक के जरिए हुई थी। कहा जाता है कि दोनों के रिश्ते के मीडिएटर हरभजन सिंह थे। दरअसल आयशा हरभजन सिंह की दोस्त थी। शिखर धवन ने पहली बार आयशा को हरभजन सिंह की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में ही देखा था और उनकी तस्वीर देखते ही उन्हें आयशा से प्यार हो गया था, जिसके बाद शिखर धवन ने आयशा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।